गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप हम लोग अभी रिवीजन वर्क कर रहे हैं जो कि पहले ही पढ़ाया जा चुका है, तो इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं और आप अच्छे से लिख पाएँ। तो इससे पहले हम लोगों ने किया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बात की थी। साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में चर्चा की, और आज हम लोग जानेंगे एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य हैं मनोविज्ञान के? कैली के अनुसार उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, तो उसको हम लोग आज डील करेंगे। ये कैली के अनुसार है उद्देश्य। तो पहला है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ लर्निंग टू नो फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। दैट मीन्स कि ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक नॉलेज देने के लिए, ताकि वो क्या क्या फैक्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी उसके प्रिंसिपल हैं, उसको प्रोवाइड कराने के लिए ये एक साइंटिफिक नॉलेज देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन मेथड ऑफ मेजरिंग स्टूडेंट्स एबिलिटीज इन द सब्जेक्ट टॉट इन द क्लास। यानी कि ये एक तरह से हेल्प करता है, मदद करता है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग मेथड के लिए, ताकि मेजर करे, ताकि जो टीचर है वो क्या मेजर करे, बच्चे की एबिलिटीज को मेजर करे और उसके सब्जेक्ट एबिलिटीज को मेजर करे जो उसे स्कूल में पढ़ाया जाता है। यानी कि एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाना इसका एम है, कि इसको ट्रेनिंग दिया जाना कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी क्या है, उसकी सब्जेक्ट एबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको सब्जेक्ट को पढ़ाना। नेक्स्ट है अवेयर ऑफ द मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। यानी कि ये चरित्र निर्माण में भी मदद करता है। क्या है एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे, उसका जो एम्स है एजुकेशन साइकोलॉजी का, वो क्या करता है, चरित्र निर्माण, बच्चों की जो चरित्र निर्माण होता है, कैरेक्टर होता है, उसको भी डेवलप बिल्ड करने में मदद करती है टीचर को, कि वो किस तरीके से उस बच्चे को किस मेथड से, किस प्रिंसिपल से पढ़ा रही है, या उनकी चरित्र को निर्माण करने में उसकी मदद कर रहे हैं, बच्चे की मदद कर रहे हैं। तो ये भी एक एम है कि टीचर का रोल है कि बच्चे के कैरेक्टर को भी निर्माण करे, वो कैरेक्टर को भी बिल्ड करे। नेक्स्ट है टू स्टडी द एजुकेशनल इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस। यानी कि ये स्टडी करता है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। क्या क्या एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है ये हम लोगों ने चर्चा पहले ही कर लिया था कि एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो उसको स्टडी करता है, साथ ही साथ कंट्रोल करता है बच्चों के इमोशंस को। इमोशंस मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या इमोशंस होते हैं बच्चों के, तो उसको भी आपको समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। इसका उद्देश्य यही है कि एज अ टीचर आप बच्चों के एजुकेशनल इम्पोर्टेंस को समझें और साथ ही साथ उसके इमोशंस को भी आप कंट्रोल कर पाएं। नेक्स्ट है टू बी अवेयर विथ टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये भी एक पार्ट है कि वो अवेयर कराता है टीचिंग लर्निंग के प्रिंसिपल्स और मेथड्स को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स को आप किस तरीके से क्लास में डिलीवर कर रहे हैं, ताकि बच्चे उसको सही तरीके से अपने ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द चाइल्ड्स नेचर। ये जो उद्देश्य है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ये प्रोवाइड करता है बच्चे के नेचर को पढ़ने के लिए, प्रोवाइड करता है, नॉलेज देता है कि वो बच्चे के चाइल्ड का जो नेचर है उसको टीचर समझ पाए और उसको वो आगे मोटिवेट कर पाए अपने स्टडीज को लेके, उसकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एजुकेशनल फील्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट है टू एनहांस एंड डेवलप द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो एम है वो क्या करता है, एनहांस करता है, मतलब उसको बढ़ावा देता है, किसको, डेवलपमेंट नॉलेज जो डेवलप कर रहा है बच्चा, जो सीख रहा है उसको एनहांस करता है, और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसके मेंटल एबिलिटी हो गई, उसके इंटरेस्ट हो गई, इन सभी चीज़ों को वो एनहांस करता है।
ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एनहांस करता है. नेक्स्ट है हेल्पिंग द चाइल्ड टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट. अगर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का एम्स के बारे में पता हो तो आप बच्चे को एडजस्ट कराने में आप उसकी मदद कर सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ, क्लास एनवायरनमेंट के साथ उसको समंजस कराने में आपकी भागीदारी हो सकती है. तो ये हेल्प करता है चाइल्ड को एडजस्ट करने में उसके वातावरण से, किस माहौल में रह रहा है, किस एम है, वो उसको एडजस्ट करने में मदद करती है. तो ये आज हम लोगों ने देखा कि एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरीके क्या होते हैं और उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं. अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सअप करें या फ़ोन करें या क्लास के टाइम पर मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगी. धन्यवाद.